ने भारतीय संविधान के विकास के क्रम में सबसे पहले जो पढ़ा था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। आज उसके आगे हमने पढ़ा है और जो हमने प्रश्न पूछा था उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके पहले जो हमने पूछा था आज हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आपको से एक छोटा सा प्रश्न हम ये पूछते हैं यहाँ पे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स क्या था, किस लिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, ठीक, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे देखते हैं इस अधिनियम के तहत जो कंपनी के अधिकृत मतलब जो कंपनी द्वारा अधिकृत भूमि थी या क्षेत्र था उसे भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज को स्वामित्व को दावा करने वाला यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। कहने का मतलब यह अधिनियम ऐसा था जो कंपनी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र अधिकृत भूमि जो भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा था उसे पहली बार ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावा करने वाला पहला दस्तावेज है। माने वो यह दस्तावेज था जो भारतीय क्षेत्र पे जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, जिस पर कंपनी का कब्जा था या कंपनी का आधिपत्य था उस पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व होने का दावा इसी दस्तावेज के तहत या इसी संवैधानिक विकास की प्रक्रिया जो थी इसी एक्ट के तहत कहा गया था, ठीक। यह काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, इस एक्ट के माध्यम से ही कंपनी के कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को एकदम पूरी तरह से अलग अलग कर दिया गया। किसके तहत, ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, ठीक। इस क्रियाकलापों के कंपनी के निदेशकों के हाथों में पहले से रखते हुए, जैसे राजनीतिक क्रियाकलाप में क्या था, अगर राजनीतिक क्रियाकलाप की व्याख्या की जाए तो सैनिक असैनिक राजस्व संबंधी मामले अन्य मामले सम्मिलित थे के नियंत्रण के पर्यवेक्षक हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल से बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैसे क्या कहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या किया कि स्थापना की गई। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 6 सदस्य होते थे, कितने सदस्य, 6 सदस्य होते थे, जिसमें एक सदस्य चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, इसमें एक सदस्य होता था क्या, चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था। दूसरा क्या होता था, राज्य सचिव एक दो तथा 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से होते थे, किससे होते थे, प्रिवी काउंसिल से होते थे। इस प्रकार कुल कितने सदस्य हो गए नियंत्रण मंडल में, 6, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा राज्य सचिव, तीसरा 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के हुआ करते थे, ठीक। इन सभी की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार किसको सौंपा गया, सम्राट को सौंपा गया। इन सभी की नियंत्रक मंडल के जितने भी सदस्य थे उनकी नियुक्ति उनके पदच्युति इस सभी का अधिकार किसको सौंपा गया, ब्रिटेन के सम्राट को सौंपा गया, ठीक। समझ में आ गया, अच्छा यहाँ से कोई समस्या हो तो बताइएगा ताकि हम आपको इसका निदान कर सके। इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए। इस प्रकार यहाँ से क्या हो गया, भारतीय उपनिवेशक के 2 शासक हो गए। पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड, पहला क्या हो गया, कंपनी का निदेशक बोर्ड। दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट, एक कौन हो गया, कंपनी का निदेशक बोर्ड जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हो गया। दूसरा जो था कौन था, नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसकी 6 सदस्यीय टीम थी उसके तहत सम्राट क्या करता था, इसको नियंत्रित करता था। यह स्थिति कब तक बनी रही, 1858 तक, 1858 तक। माने यह स्थिति जो यहाँ पे दिखाई दे रही है यह ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 से लेकर यह कब तक बनी रही, 1858 ब्रिटिश क्राउन तक बनी रही, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छा अब यहाँ पे एक काम और किया गया जो आपके परीक्षक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वह यह था गवर्नर जनरल की जो परिषद की संख्या 4 थी उसे कम करके अब कितनी कर दी गई थी, 3 कर दी गई थी। कितनी, जो गवर्नर जनरल के जो परिषद की संख्या पहले 4 थी अब उसे कितनी कर दी गई थी, 3 कर दी गई थी। कितनी, 3 कर दी गई थी। अच्छा, इस परिषद को भारत के प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध संधि, राजस्व या देसी रियासतें आदि के अधीक्षण की शक्ति भी प्रदान की गई, इसमें हस्तक्षेप करने की शक्ति भी क्या की गई, प्रदान की गई। अच्छा, इसके जो 2 चीजें हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था, किसके तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ये मैंने प्रारंभ में बता दिया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके शासन प्रशासन पर
पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। भारत के सरकार, भारत के सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। किसके तहत? इट्स इंडिया एक्ट के तहत। माने धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद एक छोटा सा आता है 1786 का अधिनियम, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1786 का अधिनियम बहुत छोटा सा है, देखिए आपको कई किताबों मिल जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी किताब से ही है, क्योंकि बिना किताब के तो ज्ञान हो नहीं सकता, तो किताब से भी है। लेकिन आप लोग सुनते रहेंगे, नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। देखिए इस अधिनियम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। किसको? गवर्नर जनरल को, जो मद्रास और बम्बई को उसके अधीन किया गया था, उनके निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। यह प्रश्न पूछा जाता है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, कंपनी के गवर्नर जनरल को क्या किया गया? प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। तो 1786 का अधिनियम था, ठीक। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कार्नवालिस को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? किस गवर्नर को? लॉर्ड कार्नवालिस को। ये दोनों अधिकार, कौन अधिकार? एक तो अगर कंपनी के कंपनी कह रहे हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल को क्या था, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का जो अधिकार था तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार था, वो भी से प्राप्त हुआ लॉर्ड कार्नवालिस को। था गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति प्रदान किया गया, यह भी किसको मिला? यह लॉर्ड कार्नवालिस को मिला। तो ये दोनों शक्तियाँ लॉर्ड कार्नवालिस को भी मिली थी। इस प्रकार आज हम लोगों ने 1786 का भी अधिनियम पढ़ लिया, फिर इंडिया एक्ट पढ़ लिया था, इसके पहले 1773 का रेवेन्यू एक्ट पढ़ लिया था। अब हम लोग धीरे धीरे क्रम से चार्टर एक्ट को पढ़ लेंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक ही दिन में सभी चार्टर एक्ट को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। और उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, क्रम से पढ़ते रहेंगे, कि एक ही दिन में तो पढ़ना नहीं है, अलग अलग पढ़ते रहेंगे। इसके नोट्स आप बनाते चलिएगा साथ ही साथ। और एक बात आपको बार बार बताएंगे, हमारे ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लास के ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ऑनलाइन क्लास के अलावा भी आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, कभी कभी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती, उसके लिए आप अपने टेलीग्राम ऐप पर सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, फिर डाउनलोड कर इलेनी बुद्रगेश से जुड़ जाएगा। हमारा फेसबुक पेज है इलेनी बुद्रगेश, वहाँ भी आपका मोस्ट वेलकम है। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।